हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट और सिंपल टेंस। ठीक है, सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? देखिए, वैसे सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट जो होता है वैसे सेंटेंस वैसे सेंटेंस जिसका क्रिया ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ताहू से अंत हो, ताहू से अंत होता हो, वह सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट का माना जाता है। वह सेंटेंस सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का माना जाता है। ठीक है, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? वैसे सेंटेंस जिसका क्रिया ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ताहू से अंत होता हो, वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का माना जाता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है।
अब यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो पहला यूज क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे. यूनिवर्सल ट्रूथ हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व व्यापी सत्य. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध कराने के लिए ठीक है एग्जाम्पल देखिए. अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या क्या होता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं एक दो एग्जाम्पल यहां बता देती हूं. जैसे सूर्य पूरब में उगता है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. ठीक है, ये तो फर्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन. ठीक है, सेकेंड यूजेस क्या है सिंपल प्रेजेंट का, हैबिचुअल एक्शन को बोध कराने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे. ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधित कार्यों का बोध कराने के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अनिल हमेशा झूठ बोलता है, ये क्या है, उसकी आदत है, अनिल हमेशा झूठ बोलता है. जब भी अगर कोई आदत संबंधित कार्यों का बोध हो, अगर कोई वैसा टेंस सेंटेंस हो, तो हम सिंपल प्रेजेंट पे ही उसको ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है, क्या होगा, अनिल ऑलवेज
टेल्स अ लाई, ठीक है। अनिल ऑलवेज टेल्स अ लाई। सेकंड देख लीजिए, राजेश हमेशा लेट आता है। राजेश हमेशा लेट आता है, क्या है वो हमेशा लेट आता है, ठीक है। तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन का बोध इस सेंटेंस से हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, राजेश ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। अब इसके थर्ड यूजेस पे आएंगे। थर्ड यूजेस क्या है, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट या फिर कोई प्रिंसिपल, कोई अगर वैसी अगर साइंटिफिक बात की, साइंटिफिक फैक्ट की अगर बात हो, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसलेट करेंगे, ओनली सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। अगर हम कोई साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट, हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होगा, सिद्धांत या मुहावरे, ठीक है, के लिए क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। देखिए एग्जांपल में कैसे, ठीक है। देखिए क्या है, दो और दो चार होते हैं, ठीक है। दो और दो चार होते हैं, क्या होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। टू एंड टू मेक्स फोर, सेकेंड एग्जाम्पल, टू एंड टू मेक्स फोर, ठीक है। एक साइंटिफिक एग्जाम्पल लेते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, क्या होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ यूज इज कोई भी मेंटल एक्टिविटी एंड ह्यूमन फीलिंग या फिर कोई इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट पे ही ट्रांसलेशन करेंगे। तो फोर्थ यूजेस क्या है, मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी मानसिक ठीक है क्रियाकलाप और ह्यूमन फीलिंग और इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, इमोशंस को
व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ। मैं भगवान में विश्वास करती हूँ। क्या होगा? I believe in God। ठीक है, फिफ्थ यूज इज फिफ्थ क्या होगा? कोई भी अगर पोजेशंस की, अगर अधिकार को जताने के अर्थ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस में अधिकार, पोजेशंस को जताने के अर्थ में ठीक है, एग्जाम्पल यह बुक मेरी है। ठीक है, यह बुक मेरी है। ठीक है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? दिस बुक This book belongs to me। ठीक है, सिक्स देखिए, सिक्स यूजेस। अगर कोई भी प्री प्लान्ड एक्शन की बात अगर हो, ठीक है, जैसे प्री प्लान्ड एक्शन को डिनोट करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, प्री प्लान्ड एक्शन पूर्व निर्धारित कार्य को डिनोट करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल से पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परीक्षा 15 जुलाई से प्रारंभ होगी। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है? ये प्री प्लान्ड है कि परीक्षा 15 जुलाई से प्रारंभ होगी। ठीक है, क्या होगा? द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कमेंस फ्रॉम 15th of July। ठीक है, वह अगले सोमवार को बेंगलोर जाएगी। वह अगले सोमवार को बेंगलोर जाएगी। देखिए, ये प्री प्लान्ड है लेकिन फिक्स है।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। ठीक है, वह अगले सोमवार को बेंगलोर जाएगी। शी गोज टू बेंगलोर नेक्स्ट मंडे। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग को हम ये सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लुरल क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का सही यूज करेंगे। सिंगुलर प्लुरल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, देखिए हमारा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, ठीक है, आई क्या होगा, वी, यू, यू, ठीक है, इसमें आएगा ही, सी, गर्ल, बॉय, इट, योर नेम एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, प्लूरल दे, द गर्ल्स, द बॉयज एटसेट्रा। ठीक है, तो हम आई वी के साथ डू का यूज करेंगे। ठीक है, और यू के साथ डू का। ठीक है, थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज का यूज करेंगे। डज का यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लुरल हो तो क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, वह लिखता है, क्या होगा ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट ही, ठीक है, और भी वन या भी फाइव, तो यहां पे हम यूज करेंगे भी फाइव, ही राइट्स। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, वह हंसती है, वह हंसती है, क्या होगा ट्रांसलेशन इसका, सी लव्स। ठीक है, अब हम सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, सॉरी पहले नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव डिस्कस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसे सेंटेंस जिसमें नहीं नॉट का यूज हुआ हो, किसका? नॉट का, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। नॉट का यूज हुआ हो, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस का? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, वह नहीं लिखती है, क्या होगा ट्रांसलेशन? वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, सोनी नहीं खेलती है, सोनी सोनी नहीं खेलती है, सोनी डज नॉट प्ले, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होता हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यो क्या है? इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नहीं हो तो क्या से शुरू होता हो और नहीं का यूज हुआ हो तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट,
तो ये क्या होगा, नेगेटिव है इंट्रोगेटिव का, ठीक है। लेकिन अगर हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज कर लेंगे, डू नॉट या डज नॉट, तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारा इंट्रोगेटिव का, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जो लोग डू नॉट या डजंट का पहले यूज कर लेंगे, वो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। इसी का अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, क्या राहुल नहीं गाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डज राहुल नॉट सिंग, ठीक है। लेकिन जो लोग डजंट का यूज कर लेंगे तो क्या होगा, डजंट राहुल सिंह, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स की, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, वैसे सेंटेंस जो वैसे सेंटेंस जिसका डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा, तो क्या होगा, यदि प्रेजेंट इनडेफिनिट, यदि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड क्या, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, होम,
से हो तो वह WH वर्ड माना जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा WH का? What, when, why, how, home plus do we or does plus subset plus V1 plus object। ठीक है, ये क्या है WH वर्ड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इसमें अगर नॉट का यूज हुआ हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम प्लस डू या डज प्लस सबसेट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर डू नॉट डज नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं इसलिए कराती हूँ ताकि एग्जाम्पल करने से जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखिए, तुम क्या चाहते हो? क्या होगा ट्रांसलेशन? डू डस, देखिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू वांट। ठीक है, एक नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, तो क्या होगा ट्रांसलेशन? देखिए यहां बच्चे हैं तो ये क्या है, चाइल्ड से चिल्ड्रेन है, तो क्या यूज करेंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? Why do the children not read? ठीक है, अब इसका एक और रूल है सिंपल प्रेजेंट का, वो क्या है? ठीक है, वो रूल देखिए क्या है, देखिए किसी कार्य को करने के तरीके या विधि को व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? किसी कार्य के तरीके या विधि को व्यक्त करने के लिए क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर देख लीजिए,
क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस नो या नोच, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे. इन्फिनेटिव क्या होगा? इन्फिनेटिव होता है 2+V1. ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है. जैसे ये एक रूल है सिंपल प्रेजेंट का. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है. तो देखिए, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे अगर मैं बात करूँ कि उसका भाई कार चलाना जानता है, तो क्या यूज करेंगे? हिज ब्रदर नोज हाउ टू ड्राइव अ कार. तो जब भी हम कोई तरीके या विधि की बात करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस नोज या नोज का यूज करेंगे, प्लस हाउ टू इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव बोले तो टू लगा के बस V1 का यूज करना है. ठीक है गाइस, ठीक है. तो आज हमारा सिंपल प्रेजेंट का पूरा हमने रूल डिस्कस कर दिया है, सारा स्ट्रक्चर बता दिया है विद एग्जांपल के साथ. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा. मैं और आप नए मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं और नेक्स्ट वीडियोज आपको हमारा मिलता रहे. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा.